नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, गणेश्वर तहसील की पाठशालाओं के अध्यापकों ने ममलतदार कचहरी के सामने धरना प्रदर्शन किया और ममलतदार जी को आवेदन पत्र भी दिया। इस प्रदर्शन में गणेश्वर तहसील की अलग अलग पाठशालाओं के सभी प्राध्यापक गण मौजूद थे। हमारे संवाददाता गौतम व्यास ने इस विरोध प्रदर्शन को लेकर गणेश्वर तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रमुख विनोद भाई तड़वी और अरुण भाई तड़वी से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। इंडिया खबर लाइव के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की एक रिपोर्ट। आज रोज गणेश्वर तालुका शिक्षक संघ द्वारा धरना कार्यक्रम रखा आवेल छे, जेमां गणेश्वर तालुकाना बहु मोटी संख्या में शिक्षक मित्रों उपस्थित था। अमारा गणेश्वर तालुकाना 450 जेटला शिक्षकों में 200 जेटला शिक्षकों अमरा 50% शिक्षकों आंदोलन ने सफर बनावा उपस्थित रही। आ धरना कार्यक्रम सफर बनाएल है ने अमे मामलतदार श्री गणेश्वर ने अमरु आवेदन पत्र आज रोज 2:30 कलाके आपवामां आवेल छे। एमणे पण अमारा प्रश्नों ने कलेक्टर श्री समक्ष रजू करवा माटेनी खातरी आपेल छे ने राज्य सरकारना प्रतिनिधि तरीके कलेक्टर साहेब श्री पण राज्यना मुख्यमंत्री श्री ने शिक्षकोना 5 प्रश्नों विषे मार्गदर्शन आपी अने आ प्रश्नों ने वेली तके उकेल लावी शकाय ए माटे पण कलेक्टर श्री द्वारा पण मामलतदार श्री द्वारा अमने मार्गदर्शन अभिप्राय मळेल छे। बीजुं के अमारा खास 5 प्रश्नों छे के जूनी पेन्शन योजना के 2005 पछी अमारा शिक्षक मित्रों ने जे सरकार श्री तरफ थी बिल्कुल खूब ज अन्याय थयेल छे कि आजे जे राजकीय क्षेत्रे गणीए तो मेयर होय, मेयर चूंटाया पछी एने 5 वर्ष पेन्शन शुरू थई जाय छे अने एज पाछो जो धारासभ्य चूंटाय तो एने पण पेन्शन मळे। तो गणेश्वर तालुकाना शिक्षकों द्वारा धरनानो कार्यक्रम आपवामां आव्यो हतो, एमां 5 प्रश्नों छे। एमां सौथी पहेलो प्रश्न छे जे जूनी पेन्शन योजना छे एने तात्कालिक अमलमां मूकवी। ત્યાર પછી બીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે, જે શિક્ષકોની ભરતી 2010માં થયેલી છે એ શિક્ષકનો ગ્રેડ પે સરકારશ્રી 2800 નક્કી કર્યો છે, એના બદલે અમારી માગણી છે કે 42 રૂપિયા ગ્રેડ પે શરૂ કરે। ત્રીજા નંબરની માગણી છે, ગઢેશ્વર તાલુકાના જે 34 સ્કૂલો છે એ 34 સ્કૂલો 1-30ની રજિસ્ટર સંખ્યા છે, એ 34 શાળાઓ ગવર્મેન્ટ બંધ કરવા માગે છે, એની સામે પણ અમારી લડત ચાલુ રહેશે। ચોથા નંબરનો પ્રશ્ન છે કે 30/6/2016 પછી જે શિક્ષકોએ 666 પાસ કરી છે એવા શિક્ષકોને જે તારીખે એને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મળે છે તે જ તારીખે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મળવું જોઈએ, એની પણ અમારી એક માગણી છે। 30/11/2019 રોજ ગરુડેશ્વર તાલુકાના શિક્ષકો દ્વારા બપોરના 12 કલાકથી 16 કલાક સુધી ધરણાનો કાર્યક્રમ પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં યોજેલ હતો અને તેઓની માગણી બાબતે અત્રે આવેદનપત્ર આપેલ છે, જે આવેદનપત્ર રાજ્ય સરકાર સુધી પહોંચે તે માટે હું કલેક્ટર સાહેબને આજરોજ મોકલી આપીશ અને તેઓની માગણી બાબતે સરકારશ્રી જે બી યોગ્ય તે કાર્યવાહી કરે। यदि आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जो समाज और शहर से ताल्लुक रखती है तो आप वह खबर हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से या फिर ईमेल के द्वारा। हम उस खबर को प्रमुखता से दिखाएंगे और समाज और प्रशासन के बीच में एक कड़ी का हिस्सा बनेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।